हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो आज आप लोगों का चौहान राजवंश का टेस्ट है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को पहले ही दे दी थी। तैयारी आप लोग करके आए होंगे। जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट देखिए बना दी गई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं जो भी वीडियोस अब तक बन चुके हैं, ठीक है। और जो बच्चे राजस्थान का जीके, हमारा राजस्थान की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है उसको देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में वो भी बना दी गई है। लगभग 100 से ऊपर जो है वीडियोज़ हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। बुक यदि किसी बच्चे के पास नहीं है, 6th क्लास की, 7th, 8th, 9th और 10th की, ठीक है, तो ये बुक जो है वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, प्लेलिस्ट में आपको ये भी मिल जाएगी। इसके साथ ही जो भी बच्चे 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्लेलिस्ट में जो है इनके भी बहुत अच्छे से तैयार करके आप लोगों को दिखाई देंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी चीजें देख सकते हो। और जो भी अब तक टेस्ट लिए गए हैं इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। तो चलिए आज चौहान राजवंश का टेस्ट होगा। धीरे धीरे करके हम जो है यहाँ पर राजस्थान का जीके एकदम कवर करेंगे, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 यहाँ पर राजस्थान का जीके आपके बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाने वाला है। और मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक करवा रही हूँ ये एकदम कंप्लीट नोट्स हैं। RAS तक की भी आप तैयारी करोगे तब भी आपके ये नोट्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2nd ग्रेड में इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी राजस्थान का जीके पूछा जाएगा, आगामी जो भी एग्जाम होंगे वहाँ आपके लिए ये नोट्स जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जिन बच्चों ने कोर्स लिया है तो वो बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेरे द्वारा आप लोगों को करवाया जा रहा है, हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं, इससे बाहर आप कुछ भी नहीं करेंगे। इस किसी भी तरीके की कोई गाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए, मैंने जो चौहान राजवंश का आप लोगों को कहा था कि टेस्ट होगा, तो फटाफट से जो है अब हम देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पर हल कर पाते हैं, ठीक है। पेन कॉपी उठा लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है लिखिएगा ABCD, और लास्ट में जो है वो आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए। और मुझे लगता है सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप दे पाएंगे यदि आप रेगुलर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है फटाफट से देखिए, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने नहीं बनाया है, बल्कि कॉलेज व्याख्याता तक में ये क्वेश्चन आया है। आपकी जो नोट्स आप लोग जो कर रहे हो तो सोचिए कि क्वेश्चन जो है वो आपके कॉलेज व्याख्याता तक के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपके रीट के एग्जाम हो चाहे 2nd ग्रेड का, तो उसे तो आप बहुत आसानी से कर ही लोगे। 2014 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन है वत्सराज, समर सिंह, कीर्ति पाल या उदय सिंह। फटाफट से सोचिए आंसर क्या रहेगा और कमेंट में लिखते जाइए, ठीक है। अंत में मैं सबके देखूंगी कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो इससे जो है आप लोगों को बहुत फायदा होगा कि आप लोग जो है वो पढ़ भी रहे हैं, साथ में जो है वो आप चेक भी कर रहे हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। तो यहाँ पर जालौर के चौहान वंश से संबंधित कौन से शासक रहे हैं, मैंने आप लोगों को सीरीज जो है वो बिल्कुल बताई है सभी शासकों की। तो देखिए, कीर्तिपाल चौहान ये तो जालौर के चौहान वंश से संबंधित हैं, इनका नाम सभी जानते हो। समर सिंह भी जालौर के चौहान वंश से संबंधित हैं, अलाउद्दीन खिलजी जो है उनका इनसे जो है वो अनबन होती है टैक्स को लेकर। उदय सिंह भी इससे संबंधित हैं, लेकिन वत्सराज जो हैं वह जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है। तो आंसर जो है वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा वत्सराज, ठीक है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को जो है स्टार लगा लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को 3 नाम जो है पता लग गए जालौर के चौहान वंश के, और एक जो है वत्सराज जो नहीं था। ऐसे ही जो है आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आसान प्रश्न ही आएंगे, कठिन नहीं आएंगे। आना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न उनके लिए सही होते हैं, उनके लिए आसान होते हैं जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते हैं। तो आना सागर झील का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में आया हुआ है। आना जी चौहान, अर्णोराज जिनको कहेंगे, शाहजहां, पृथ्वीराज चौहान या जहांगीर। तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए, एक एक करके जो है इनको हटाते चलिए। शाहजहां जो है, आना सागर झील का निर्माण इन्होंने तो नहीं करवाया था, सभी जानते हो। जहांगीर ने भी नहीं कराया था, ये मुगल शासक हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो है इनके द्वारा भी नहीं कराया गया, तो आंसर क्या रहेगा, आना जी चौहान, ठीक है, अर्णोराज भी जिनको कहेंगे। तो आई होप सबका ही सही होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था,
इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो ये भी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 का प्रश्न है। ऐसा कोई भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा जो कि आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया हो। तो फटाफट से जो है वो सोचिए कि तराइन का पहला युद्ध जो है कब लड़ा गया? 1001 में, 1191 में, 1192 में या 1206 ईस्वी में? तो इसका तो सभी नहीं सही किया है। आंसर क्या है? 1100। बताइए 92 होगा या 91 होगा? बिल्कुल 1191 होगा इसका सही आंसर। और दूसरा युद्ध जो है 1192 में लड़ा गया था। ठीक है। सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया था? तो तराइन के पहले युद्ध की बात हो रही है, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं ये, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या रामन राजा द्वितीय? तो सभी का ही सही है ये कि 1191 में तराइन का जो है प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है। और 1191 में ये जीत जाते हैं, लेकिन मोहम्मद गौरी की जो सेना वापस चली जाती है उसका ये पीछा नहीं करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, और जिस वजह से दोबारा से मोहम्मद गौरी जो है वो आक्रमण करता है और पृथ्वीराज तृतीय की यहाँ पर हार हो जाती है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट, रामानुज, चंदवरदाई या हरिहर? अब मैं जब भी पढ़ाती हूँ आप लोगों को, एक लाइन जो है वो कई बार रिपीट कर देती हूँ, बाद में मैं आप लोगों को रिवाइज भी करवाती हूँ। तो अब जो है टिप्स पर होने चाहिए आपके ये सभी आंसर। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? सभी दरबारी कवि के बारे में मैंने आपको याद करवाया था। ठीक है। अब बताइए बाण भट्ट, रामानुज, चंदवरदाई या हरिहर? फटाफट से जो है वो सभी बच्चे सही आंसर देंगे। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा? चंदवरदाई। ठीक है, सभी का सही आंसर है। इसके अलावा यदि आपके एग्जाम में आ जाता है इनके दरबार में जयानक भी थे, विद्यापति थे, वागीश्वर थे, विश्वरूप थे, ठीक है, तो पृथ्वीराज के दरबार में ही थे, तो चंदवरदाई का नाम तो आप याद ही रखेंगे। अगला देखिए सिक्स क्वेश्चन। हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? अब हम्मीर रासो किसके द्वारा रचित है आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, तो लैब असिस्टेंट में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 का, रणथंभपुरा, रणदेवपुर, रणस्तंभपुर या रणथनपुर? बताइए हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का जो प्रारंभिक नाम जो है वह क्या था? सोचिए इसका सही आंसर जो है वो क्या रहने वाला है। तो रणथंभौर, यहाँ पर चौहान वंश की नींव कौन रखते हैं? बिल्कुल आपके याद आ गया होगा, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था गोविंद राज। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर रहेगा सही सिक्स क्वेश्चन का, रण स्तंभपुर। ठीक है, रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रण स्तंभपुर। आप जो है थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे तो भी आपको पता लग जाएगा, रण तो यहाँ पर रण है और स्तंभ, ठीक है, तो किले में जो है इस तरीके से बना होता है, तो ऐसे भी जो है वो आप याद रख पाओगे। नेक्स्ट देखो सेवंथ, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया, लेकिन 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? तो ऑप्शन है गुगा, सपाल दलक्ष, हमीर देव चौहान या राजा जयंत? बहुत बहुत ही जो है आसान प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है कहाँ पर आक्रमण करता है? रणथंभौर किले पर आक्रमण करता है। ठीक है, और उस समय कौन थे शासक यहाँ? हमीर देव चौहान। ठीक
ठीक है। तो 1301 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी से जो है इनको पराजित होना पड़ा था। इससे पहले इनका चाचा जो था जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर 2 बार आक्रमण कर चुका था। तो ये सभी कहानी जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से लर्न करवाई। 8th देखो, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है क्या रहेगा? अकबर। ठीक है, अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग जो है अकबर जो मुगल सम्राट थे इनके द्वारा भेंट की गई थी। 9th क्वेश्चन देखें, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? रणथंबोर, आमेर, नाहरगढ़ या चित्तौड़गढ़? तो क्या रहने वाला है 9 क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए, नौलखा दरवाजा जो है राजस्थान के किस किले का भाग है? इसका सही उत्तर होगा रणथंबोर किले का भाग है। ठीक है, यदि आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए। पृथ्वीराज विजय के लेखक थे, तो इसको तो मैंने थोड़ी सी ट्रिक ही आपको बताई थी, यहाँ देखते ही आपको पता लग गया होगा आंसर क्या रहने वाला है। जयानक, सूर्यमल, मिश्रण, मोहनोत नैन सिंह या चंदवरदाई? पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जयानक, सूर्यमल, मिश्रण, मोहनोत नैन सिंह या चंदवरदाई? तो देखो, यदि आप एग्जाम में भूल भी जाते हो तो यहां पर जो है आंसर कैसे याद रखना था? पृथ्वीराज विजय, विजय में क्या आ रहा है? जय। ठीक है, और आपका आंसर भी क्या है? जय, जयानक। ऐसे आपको याद रहेगा यदि आप भूल जाते हो। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय, इन दोनों में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। एक आप याद रख लो, दूसरा आपको याद हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चहमान काल, चहमान यानी चौहान, इनके इतिहास की जानकारी नहीं देता है? ठीक है, अब देता है जानकारी, ये तो आपने याद कर लिया है, तो जो नहीं है वो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, बिजोलिया अभिलेख और घटियाला अभिलेख। तो इन चारों के नाम आपने सुने हुए हैं। ठीक है, चहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है, तो आप सोचिए इसमें सही आंसर क्या रहेगा। तो बताइए, चारों के ही जो है आपको आंसर पता होंगे कि किसी न किसी से संबंधित हैं। तो बिल्कुल, जो भी बच्चे रेगुलर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, और देखिए क्वेश्चन आंसर, जो बच्चे सोचते हैं कि हम जो है पढ़ेंगे नहीं, अब केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे और टेस्ट सीरीज जो है इन्हीं को सॉल्व करते रहेंगे और हम एग्जाम पास कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए, हमें हर चीज़ की जो है डिटेल याद होनी चाहिए। ठीक है, जब हमें कहानियां सारी याद रहती हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आपको कहानियां याद रहती हैं, उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आप जो है वो आप उसका पूरा पढ़िए, अच्छे से जो है वो पढ़िए। आपको पता है कंपटीशन जो है वो बहुत अधिक रहने वाला है, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अपने तरीके से तैयारी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का बच्चा वो भी थर्ड ग्रेड का एग्जाम देगा, सेकंड ग्रेड का बच्चा भी थर्ड ग्रेड का एग्जाम देगा। ठीक है, जिसने आरएएस तक की तैयारी की है और नहीं हो पाया उसका सिलेक्शन, वो भी थर्ड ग्रेड का एग्जाम देगा। तो सोचिए जो है यहाँ पर कंपटीशन कितना हाई रहने वाला है। तो टेस्ट सीरीज के चक्कर में जो बच्चे स्टार्टिंग से ही पढ़ जाते हैं, तो देखिए बिल्कुल सही बात नहीं है। सबसे पहले आप जो है वो डिटेल पढ़िए, उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, तो आपको इसका भरपूर फायदा मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए, पृथ्वीराज विजय ये तो जयानक के द्वारा है, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई का है, ये तो चौहानों की जानकारी देता है। बिजोलिया शिलालेख जो है इसमें भी चौहानों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और किसके द्वारा रचित है बिजोलिया अभिलेख? कुणभद्र के द्वारा।
घटियाला अभिलेख जो है ये चौहानों के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। तो आंसर जो है वो आपका रहेगा घटियाला अभिलेख। यहां से जो है वो हमें प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। कहाँ, किसकी? प्रतिहारों की। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 12 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? रतन सिंह, हमीर देव चौहान, कानड़ देव और मालदेव। तो बताइए वहां पर शासक कौन था उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? तो सोचिए इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा, तो उस समय रणथंभौर में हमीर देव चौहान थे। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले ही जो है इसका आंसर देख चुके हैं। 1301 ईस्वी की ये घटना होती है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी से जो है हार जाते हैं हमीर देव चौहान। ठीक है, जितने भी युद्ध लड़े इन्होंने, तो अंतिम युद्ध जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से हार जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सपाल दक्ष या सपाल दक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, क्या ये सही है? विग्रहराज चतुर्थ यानी विसल देव ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था। अहिछत्रपुर जिसे हम नागौर कहते हैं चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय चौहामान वंश का अंतिम शासक था। यहाँ पर देखिए, ये वही बच्चा कर सकता है इसको जिसने पढ़ी हो डिटेल। ठीक है, जिसने डिटेल पढ़ा होगा तो वो बहुत अच्छे से जो है इसको कर सकेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले जो है आप लोगों के पास बहुत टाइम है, अभी आराम से तसल्ली से जो है वह पूरा टॉपिक पढ़िए। उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज आप जहाँ से भी सॉल्व करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं आप लोग, या फिर कोई बुक लेकर आते हैं जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व जो हैं आपको क्वेश्चन मिलते हैं और आप सही उनको देखते हैं, चेक करते हैं कि हमने कितना अच्छे से पढ़ लिया है, उसके बाद आप जो हैं क्वेश्चन आंसर पर आइए। ठीक है, तो यहाँ पर चारों लाइनें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसका उत्तर दे पाओगे। तो देखिए, सपाल दक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। तो मैंने जब आपको करवाया था चौहान राजवंश, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझाया था, बिल्कुल सही है। अहिछत्रपुर जिसको नागौर कहते हैं चौहानों की प्राचीनतम राजधानी, सही, ये बिल्कुल सही। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था, बिल्कुल सही है। हार जाते हैं ये तराइन के युद्ध में और इनका बेटा गोविंद राज जो है अपने चाचा से जो है बचकर भाग जाता है, रणथंभौर में जाके चौहान वंश की नींव रखता है। ठीक है, तो अजमेर के चौहान जो है पृथ्वीराज चौहान अंतिम शासक रहे। तो कौन सा गलत है यहाँ पर? यहाँ पर गलत है ये वाला कि विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया। अब यहाँ पर तो यही नहीं पूछा है कि अजमेर के तारागढ़ की बात हो रही है या बूंदी के। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, और विग्रहराज चतुर्थ ने तो तारागढ़ का निर्माण करवाया ही नहीं था, तो ये जो है वो आपके लिए हो गया गलत। तो यही जो है आपका उत्तर है। ठीक है, उत्तर कौन सा है आपका? ये वाला बी ऑप्शन आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बी आंसर। ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? राजशेखर, जयानक, सोमदेव, विसलदेव। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत गया होगा, क्योंकि इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है चौहान राजवंश में। एक हर एक पॉइंट मैंने आप लोगों को करवाया। ललित विग्रहराज के लेखक कौन थे? किसके दरबार में थे वो व्यक्ति, ये भी आपको बताना है। तो फटाफट से जो है यहाँ पर दो आंसर देने हैं आपको। एक तो आपको बताना है 14 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, ऐसे आप टाइप करिए, और साथ में उसके ये भी लिखिए कि ये जो लेखक हैं ललित विग्रहराज के, ये किसके दरबार में थे। मैं देखूंगी सभी के इसका आंसर। तो बिल्कुल जिनको आता है उन्होंने तो लिख ही दिया है। यहाँ पर ललित विग्रहराज के जो लेखक थे कौन थे, 14 का बिल्कुल सही दिया है बच्चों ने। कुछ एक बच्चे जो हैं जिनको
आंसर देने में कोई समस्या आई है, इसका आंसर है सोमदेव। ठीक है, और सोमदेव जो हैं किसके दरबार में थे, तो यह थे वीसल देव, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। तो आंसर तो यहीं पर ही था। निम्नलिखित तो में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, वंश भास्कर इसके रचयिता हेमरत्न है क्या, कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा, वीर विनोद श्यामल दास, हमीर काव्य नयनचंद सूरी। जिन जिन को आप जानते हो तो उनको आप पहले जो है मैच कर लीजिए, बाकी जो बचते हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या रहेगा आंसर, तो बिल्कुल देखिए यहां पर आपको पता है कि वंश भास्कर जो है किसके द्वारा लिखित है, यह सूर्यमल मिश्रण का है, सूर्यमल मिश्रण का। ठीक है, इसके आगे तो हेमरत्न लिखा हुआ है, तो यही गलत युग्म है, यही आपका उत्तर है। कानड़ देव प्रबंध जो है पद्मनाभ का है, वीर विनोद श्यामल दास का है, हमीर काव्य जो है नयनचंद सूरी का है। तो ये चारों आप याद कर लें, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण जो है कौन करता है, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन या मुबारक। तो दो बार आक्रमण किया जाता है, सबसे पहले रणथंभौर दुर्ग पर। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो देखिए पीटीआई 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, आपको देखने में तो आसान लगते हैं लेकिन उत्तर देने में टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को होता है कंफ्यूजन, क्योंकि चारों ही नाम आप लोगों ने सुने हैं और यही आसपास हैं। ठीक है, आंसर कौन सा रहेगा। तो यहां पर देखिए, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने वाले दो व्यक्ति थे, एक तो जलालुद्दीन था, एक अलाउद्दीन था। तो सबसे पहले पूछा है प्रथम खिलजी सुल्तान, तो इसका आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ आक्रमण करता है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में कितने युद्ध लड़े गए थे, 17 युद्ध, 9 युद्ध, 2 युद्ध या 5 युद्ध। तो अभी हाल में ही हमने जो है इसका उत्तर देख लिया था, 1191 का जो युद्ध है, तराइन का पहला युद्ध, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित होता है, और 1192 का युद्ध जिसमें पृथ्वीराज पराजित होते हैं। तो ये दोनों युद्ध हैं संबंधित हैं इनसे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तो 2 युद्ध लड़े गए थे। रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी। अब देखिए आपको याद हो गया है इसका आंसर, लेकिन घुमाकर पूछ लिया एग्जामिनर ने, पीटीआई 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। क्या रहेगा आंसर, 1290 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में, 1299 में या 1301 ईस्वी में। रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई। अब यहां पर थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए पहले तो आप इनको हटाइए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है इनको हटाइए। 1301 ईस्वी में, यहां पर तो अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है 1301 ईस्वी में आक्रमण करने, ये तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, 1299 भी नहीं होगा, 1292 में दूसरी बार आक्रमण करता है जलालुद्दीन खिलजी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आंसर रहेगा 1290, अगर यहाँ पर 1291 होता तब भी आपका आंसर सही होता। ठीक है, क्योंकि 1290 से 1291 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, तो आपका आंसर ये रहेगा। तो ऑप्शन जो है उस पर भी डिपेंड करता है आपका आंसर। बिजोलिया शिलालेख जो है जहां चौहान वंश की जानकारी हमें मिलती है, गुणभद्र के द्वारा रचित है, किस चौहान नरेश के काल का है, किनके समय का है, सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज और हरिराज, बताइए इसका सही आंसर।
बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? जिन्होंने पढ़ा है आंसर फटाफट दे देंगे, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। सोमेश्वर। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता? तो पहला युद्ध है ये, किसने जीता था? दो तीन बार हम देख चुके हैं, रीट लेवल 2 2018 का ये प्रश्न है। कितना सरल प्रश्न है। तो तराइन का जो युद्ध है किसने जीता था पहला, फटाफट से बताइए। मोहम्मद गौरी ने जीता था या पृथ्वीराज चौहान ने जीता था? दो ही नाम आपको याद यहाँ पर रहने चाहिए, ठीक है? तो पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरा युद्ध जो है मोहम्मद गौरी जीता था। तो आंसर क्या रहेगा बी इसका? यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 21। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी और किसने दी कवि बांधव की उपाधि? तो बताइए, विग्रहराज चतुर्थ, जिनको विसल देव के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, अर्णोराज आनाजी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या अजय राज? कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? इक्कीस का आंसर जो है वो आप बताइए सही आंसर, फटाफट से जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है देते जाइए, अंतिम में देखूंगी। और आप लोग टोटल करके बताइएगा कितने आपके सही गए। तो यहां पर जो आंसर रहेगा कौन सा रहेगा बताइए? यहां पर आंसर रहेगा कवि बांधव की उपाधि जो है विग्रहराज चतुर्थ विसल देव को दी थी। किसने दी थी? तो जयानक के द्वारा ये दी गई थी। किसके द्वारा? जयानक के द्वारा दी गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें 22 क्वेश्चन देखिए। ललित विग्रह राज, अभी हमने बात कर ली थी ललित विग्रह राज के बारे में, इसके रचयिता सोमदेव थे, ये हमें पता लगा पिछले प्रश्नों में। किस चौहान शासक के दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ विसल देव के, पृथ्वीराज फर्स्ट, सोमेश्वर या अर्णोराज? तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन जो है वो मेरे द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है, आपके एग्जाम में आरपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो बनाती है, ठीक है? तो आप देख लीजिए कि इसमें से जो है हो सकता है चौहान राजवंश से यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके आ जाए। तो बहुत अच्छे से जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप लोग, तो उसके चारों ऑप्शन के बारे में आप जानकारी रखें। और जिन लोगों ने डिटेल में जो है पढ़ा है मेरे नोट्स के द्वारा, मुझसे पढ़ा है, वीडियोस बहुत अच्छे से देख लिए हैं, चाहे वो कोर्स के बच्चे हों चाहे यूट्यूब के बच्चे हों, एक भी क्वेश्चन जो है वो आप गलत नहीं करोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 22 का आंसर यहां पर बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? विग्रह राज फोर्थ, जिनको विसल देव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? एक तो है ललित विग्रह राज और दूसरा मैंने आपको बताया विसल देव रासो, जो कि नरपति नाल के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, और ललित विग्रह राज, ये दोनों जो हैं विसल देव या विग्रह राज के समय के नाटक हैं, ठीक है। ललित विग्रह राज जो है यहाँ पर जो सोमदेव हैं वो इन्होंने किसके बारे में लिखा है, ये इंद्रपुरी की जो राजकुमारी है देसल देवी और विग्रह राज के बीच में जो प्रेम संबंध है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है, मैंने वहां पर भी आपको थोड़ा बताया। 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक जो है वो मारा गया था? तो दो नाम जो है, जैसे ही आपने अलाउद्दीन खिलजी को देखा सेना नायक आपको याद आए उलुग खां और नुसरत खां, ठीक है? तो यानी कि दो ऑप्शन तो मैंने ही आपके एलिमिनेट कर दिए कि ये तो होंगे ही नहीं। तो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2017 में ये प्रश्न आया है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जो भी सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं जो भी थर्ड ग्रेड के बच्चे हैं, तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान देना है इन प्रश्नों को। तो 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक जो है वो मारा गया था? 1300 या 1299, आप याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है? ऐसे भी एग्जामिनर लिख सकता था 1299 से 1300 के बीच में, ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है, ये ना लिखकर इन्होंने सीधा लिख दिया 1300 ईस्वी में। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा सेनानायक जो है वो मारा गया था? तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा बिल्कुल नुसरत खान जो है वो मारा गया था, ठीक है? चलिए
तो देखिए आज का अंतिम प्रश्न, केवल चौहान शासकों के बारे में ही हम लोग कर रहे हैं और इन 24 प्रश्नों को करने पर आपके चौहान राजवंश जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 का ही ये प्रश्न है। उलुग खां को, नुसरत खां को, अकात खां को या उमर खां को, किसको सौंपा था? अब अगर आपने जो पिछला क्वेश्चन है वही किया है तो आप ये तो आप देख रहे हैं, नुसरत खां तो मारा गया था तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। उलुग खां, अकात खां या उमर खां? तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? उलुग खां, ठीक है। तो 24 में से कितने प्रश्न जो हैं वो आपने सही किए हैं, बिल्कुल बताइएगा इस तरीके से कि 24 में से हमारे जो हैं कितने सही गए हैं। आपके जो हैं वो 23 सही गए हैं, 22 सही गए हैं, बताइएगा। और उम्मीद है कि लगभग जो है 22, 23, 24 यही आपके जो हैं आंसर सही गए होंगे, क्योंकि प्रश्न जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो आप लोग एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं करेंगे, तो ऐसा मैं उम्मीद करूंगी। और कमेंट में आप लोग जो है अपने यहाँ पर मार्क्स जो है वो बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। थैंक यू।